वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के बारे में। देखिए वो सेंटेंस जिसमें नहीं आए, साथ में क्वेश्चन मार्क भी हो, साथ में पास्ट कंटिन्यू रहा था, रहे थे और रही थी हो, वो जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और पास्ट कंटिन्यू सेंटेंसेस होते हैं। हमने लास्ट टाइम इंटरोगेटिव सेंटेंस किए थे पास्ट कंटिन्यूस के, तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो मतलब वाज वर पहले ही आ गया, वाज और वर पहले आ गया। अगर कोई WH फैमिली है तो वो वाज वर से भी पहले आ जाएगी, फिर वाज वर आएगा। प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा। प्लस नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। प्लस सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि पास्ट कंटिन्यूस में चल रही है। प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है ये रूल होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने इसका रूल किया था पास्ट कंटिन्यूस का, अगर आपको याद हो रूल चार्ट के अकॉर्डिंग, जब रहा था, रहे थे और रही थी आता है तब पास्ट कंटिन्यू लगता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटरोगेटिव होता है तो वाज वर पहले आ जाता है और फिर सब्जेक्ट आता है, और साथ में नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के साथ नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ही शी इट नेम के साथ वाज आएगा और आई के साथ भी वाज आएगा, यू वी दे के साथ वर आएगा। तो यही हम आज इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अपना फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। अब देखिए इंटरोगेटिव आ गया, नहीं नेगेटिव आ गया, पास्ट कंटिन्यू रहा था, रहे थे, रही थी आ गया, ठीक है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो अब देखिए क्या, अब रहे थे है तो वाज और वर लगेगा, तुम है यू, यू के साथ वर लगता है तो वर आ जाएगा पहले, वर फिर आ जाएगा यू, वर यू फिर आएगा नॉट नहीं। नेक्स्ट है लर्निंग सीखना, लर्न इंग लर्निंग, वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये है नेगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, वाई क्यों, वाई आ गया। अगर वाई WH फैमिली आती है तो वो सबसे पहले आती है, हमें वी, वी के साथ क्या लगता है वर, लेकिन ये इंटरोगेटिव है तो वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वाई वर वी नॉट नहीं लग रहा था, फीलिंग फील महसूस करना लगना, फीलिंग वेल वेल मतलब अच्छा, क्यों क्वेश्चन मार्क, वाई वर वी नॉट फीलिंग वेल, हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। नेक्स्ट है क्या वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे थे, ठीक है रहे थे, क्या वो हमारे लिए नहीं लड़ रहा था, रहा था कोई लड़का है तो वाज आएगा, वाज WH फैमिली कोई नहीं है, वाज ही नॉट नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फाइट लड़ना, फाइट इंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फाइटिंग फॉर यू क्या वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए
फॉर यू। क्या वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा था? वाज ही नॉट फाइटिंग फॉर यू? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही थी? WH फैमिली, वाई वाई मैं, आई है ना, तो आई से पहले क्या लगेगा? वाज। वाई वाज आई नॉट लर्निंग? लर्निंग। वाई वाज आई नॉट लर्निंग इंग्लिश? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही थी? ठीक है, नेक्स्ट, तुम गुस्सा कैसे नहीं लग रहे थे? कैसे? हाउ, क्या आएगा? हाउ। तुम के साथ क्या लगता है? वर। यू के साथ क्या लगता है? वर। हाउ वर यू नॉट? हाउ वर यू नॉट फीलिंग एंग्री? फील इंग फील फील इंग एंग्री। ठीक है, तो ये जो है ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस। थैंक यू।